सीधे विधानसभा में खड़े होकर माननीय मंत्री जी के व्यक्तिगत नाम लेकर ये कहीं से कार्य संचालन नियमावली का सरासर उल्लंघन है। नेता विपक्ष को इसका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आप लोग पर सीधे आरोप है कि आपको मारपीट हो रहा है। नहीं नहीं, सारा बिहार देख रहा था, आप देख रहे थे। हम लोग जो है अपने सीमा में रहकर हम लोग अपना पक्ष रख रहे थे। जिस तरह विपक्ष के लोग आकर हम लोग के चेयर पर आकर जिस तरह से भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर, विधानसभा सत्र के दौरान आज हंगामा हुआ और हंगामे में ये स्थिति हो गई कि हाथापाई की स्थिति आ गई। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष जो है इसके लिए जिम्मेवार है, उसके तरफ से हुआ। जब यह सवाल आज बीजेपी के विधायक संजय सरावगी से किया गया तो उनका कहना है कि सरासर ये जो बात है ये झूठ है, ये विपक्ष के द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से संवैधानिक पद की बात करते हैं उप मुख्यमंत्री पद की, तो जब वो खुद उप मुख्यमंत्री बने थे तो क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। साफ तौर पर जिस तरह से राम सूरत राय को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और फिर सदन में भी इस बात को उठाया, उसके बाद जो है वो उनका विधायक का कहना है कि अगर मंत्री पर कोई आरोप होता है तो पहले आप जो है वो मंत्री को खत लिखेंगे, उसके बाद विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को पटल पर रखेंगे और तब उस मंत्री का नाम आप ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने जो संवैधानिक जो रूल है उसका फॉलो नहीं किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें अगर किसी मंत्री पर कोई आरोप लगाना होता है तो पहले जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को बताया जाता है, सदन के पटल पर उस मंत्री का नाम रखा जाता है और या उस मंत्री को खत लिखा जाता है कि हम इस बात के लिए आज सदन में सवाल उठाएंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो उनको नियम है वो नहीं पता है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय सरावगी वो सुनिए। सभा के अंदर विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अगर आप किसी माननीय मंत्री पर कोई आरोप लगाते हैं उनका पद नाम लेकर या उनका नाम लेकर, तो पहले उनको माननीय मंत्री जी को लिख के देना होगा और विधानसभा माननीय अध्यक्ष जी को लिख के देना होगा, फिर उनको जवाब तैयार करने का समय देना होगा और तब आप खड़े होकर आरोप लगा सकते हैं। सीधे विधानसभा में खड़े होकर माननीय मंत्री जी के व्यक्तिगत नाम लेकर ये कहीं से कार्य संचालन नियमावली का सरासर उल्लंघन है। नेता विपक्ष को इसका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आप लोग पर सीधे आरोप है कि आप लोग मारपीट हो रहा है। नहीं नहीं, सारा बिहार देख रहा था, आप देख रहे थे। हम लोग जो है अपने सीमा में रहकर हम लोग अपना पक्ष रख रहे थे। जिस तरह विपक्ष के लोग आकर हम लोग के चेयर पर आकर जिस तरह से भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे, जिस तरह से लगता था वो पहले से मूड बना के आए हों झगड़ा करने का, या कहीं से भी उचित नहीं है। और विपक्ष के सदस्यों को मर्यादा में निश्चित रूप से रहनी चाहिए, विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली है, उस मर्यादा में निश्चित रूप से उन लोग को रहना चाहिए। और नेता विपक्ष को कम से कम कार्य संचालन नियमावली का ज्ञान जरूर होना चाहिए, विधानसभा में कार्य संचालन नियमावली क्या है।